अभी हम लोग आ चुके हैं टाकी में और सामने बस को पार्क कर दिया है और वहां से पैदल आ गए हैं। ये जो रिसोर्ट आप देख रहे हैं ये रिसोर्ट बंगला रिसोर्ट है और यहां पे सब खाना वाना हो रहा है, तो आइए खाने में क्या है दिखाते हैं। और ये राजमहल का जो पीछे का हिस्सा है ये वो है, मतलब देखने से इतना खूबसूरत लग रहा है और इतना सारा मतलब हिस्टोरिकल मोमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि बहुत अच्छा है, ये देखने में काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर ये दुर्गा मूर्ति है, इसके अंदर दुर्गा मूर्ति है। काफ़ी ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। एंड अभी हम आ गए हैं टाकी रामकृष्ण मिशन आश्रम पे और ये शोभिक भाई आगे जाते हुए। शोभिक भाई कैसे हो भाई? बढ़िया। तन्मय भाई सो रहे हैं। ये क्या है? यो और हम लोग बढ़ रहे हैं जंगल की ओर। हमारे होस्ट का दोस्त तन्मय भाई। तो अभी हम लोग आ पहुँचे हैं गोलपत्ता का जंगल। ये मतलब इसको मिनी सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए सुंदरी ककड़ा गाछ, ये सब लगाया गया है। ये एक थोड़ा कैनोपी वॉक है जो गोलपत्ता का जंगल का नाम से जो फेमस है वो यही पेड़ है। यही पेड़ जो है वो गोलपत्ता का नाम का फेमस है। और ये जो पेड़ जब दिख रहा है इसको ककड़ा गाछ, मैं पहले ही बोला था सुंदरवन से जो ले आया था ये वही। गोलपत्ता ट्री विच इज द गोलपत्ता जंगल इज फेमस फॉर दिस पर्टिकुलर प्लांट विच इज कमन, इट्स नॉट कमन, इट्स क्वाइट रेयर इन दिस एरिया।
সৈক ভাই জগন্নাথ দা দাদা মেশো ভাই तो अभी डिनर का टाइम सॉरी लंच का टाइम है और लंच में है बिरयानी चिकन चाप हम वेज बिरयानी खा रहे हैं।